ॐ ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिनिस्नप्यामा ॐ ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिनिस्नप्यामा ॐ ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिनिस्नप्यामा सवितो भगवान् की ॐ नमः सदेवे ॐ नमः सदेवे ॐ नमः सदेवे श्री वीतरागाय नमः ॐ नमो अरते भगवते श्रीमते पार्थे तंगराय द्वादश गण प्रविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुए सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक्यमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्रमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक्य वंशकराय सत्य ज्ञानाय सत ब्रह्मणे धनेन्द्र पणा मंडित मंडिताय ऋषि आरिका चावक चाविका प्रमुख चतुर संग उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अस्माकम आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज तथिष उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज आरिका श्री 105 दक्षमती माता जी स्वास्थ्य लाभार्थम अपवायम मृत्यु अति कामम रति कामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वसर्गभयम सर्वविघ्नभयम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मयम सर्वपरमन्त्रम सर्वजूलरोगम सर्वचयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूर रोगम सर्वनरमारी सर्वगजमारी सर्वमारी सर्वगोमारी सर्वमतिमारी सर्वधान्यमारी सर्वरक्षमारी सर्वगुलमारी सर्वपत्रमारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी सर्वराष्ट्रमारी सर्वदेशमारी सर्वविश्वमारी सर्वे ताल ताग्निमयम चिन्न चिन्न भिन्न भिन्न सर्वेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम ग्रीम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम सम्मत तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर केट करवर दोणमुख संभाग नंदनाम सर्व लोकानंदनाम सर्व देशानंदनाम सर्व यजमानंदनाम सर्व दुख अने अने पज पज कुट कुट शिक्रम शिक्रम क्रो क्रो यात्म सूत्रि लोकेशु व्याधि वर्जन वर्जितम अभयम से मरोग्यम स्वस्तिरतो विधीयते श्री शांतिरतो शिवमस्तु जयोस्तु नित्याकम रोग्यमस्तु अस्माकं पुष्टिरस्तु त्रष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु सारे आज के समस्त शांति धाराकर्ता परिवार आज के प्रथम शांति धाराकर्ता परिवार श्री नीरज जी जैन राणा प्रताप बाग से श्री नसीब जी सोनी ममता नीतु मनीत पीयूष लोहित पलक स्मिता रिद्धिशा परिवार की सुख समृद्धि व शांति के लिए शांति धारा 18 पौष नकुंज गुरमंडी से स्वर्गीय श्रीमती उषा जी जैन परिवार अजय जी जैन ऋतु जी जैन शक्तिनगर वालों द्वारा भी शांति धारा श्री भूपत राय जी अमृतलाल मोदी श्रीमती रंजना बहन भूपत राय मोदी श्रीमती ख्याति हेमंत शाह व चिरंजीवी हेतु भूपत राय मोदी सभी के उत्तम स्वास्थ्य लाभ निरोग्यता सहित दीर्घायु की मंगल कामना हेतु शांति धारा श्रीमती शकुंतला गोदा परिवार पवन प्रीति अंकुर तिश्ला गोदा परिवार शक्तिनगर से श्री अशोक जी जैन नरेंद्र जी जैन जगजोत ट्रेडर्स सना प्रताप बाग से श्री राजीव जी जैन अनीता जैन ममता वैभव नेहा मारदा पुलकित ऐश्वर्या आर्च प्रियंका अर्पित पारुल अतिन पाशी डेल को रबर ट्रेडर्स प्रीतिवार से श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी वीरेंद्र जी पायल जी श्वेटिया व आर्य सोनी प्रीतिवार से स्वर्गीय श्री कमलचंद जी जैन स्वर्गीय श्रीमती मैना सुंदरी जी जैन सुनील जी जैन स्वाति जी जैन परिवार सीसी कलोन से श्री सुरेश जी जैन नरेश जी जैन किनोना वाला परिवार रूपनगर वालों द्वारा भी शांति धारा आरिका 105 श्री लक्ष्मती चंद्रमती माता जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु शांति धारा कर्ता परिवार टीवी के सामने देखने वाले सुनने वाले व यहाँ उपस्थित सभी जैन परिवार से अभिवृद्धि रस्तो सुखमस्तो दीर्घायु रस्तो
कुल गोत्र धनानि सदा संतु सधर्म शिबाल आरोग्यम ऐश्वर्यम अभिवृद्धि रस्तु सोदम सो शिष्य पर शिष्य वर्ग प्रसिदंतु नः। ओम राम रीम रूम रोम रह नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु भवतु नरकादि चतुर्गति दुख विनाशनम भवतु भवतु भवतु। ओम रीम श्रीम क्लीम अरम अस्यावसा अनाथ विद्याय नमो अरियंतनम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते प्रक्षणाशे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग उपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सब प्रकृति शूद्र उपद्रव विनाशनाय सर्व शाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रः असि आउसा अरहं नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु वशिष्ठ स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन समन तपोदनानं देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्र। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। विराजमान श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय श्री चंद्र प्रभ जिनेन्द्राय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय श्री महावीर स्वामी जिनेन्द्राय अभिषेकांते मस्को प्री शांति धारानंते अर्घम नरपमति स्वाहा। हमारे 1 जनवरी 2023 को श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ को यहाँ पर स्थापित किए विराजित हुए 5 साल हो गए। उस खुशी में हम सभी मिलकर के एक महामस्तकाभिषेक 1 जनवरी 2023 को सुबह ठीक 8 बजे से शुरू करेंगे और जब तक ये चलता रहेगा जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप अपने परिवार की तरफ से बंधुओं एक ऐसी प्रतिमा एक ऐसा मंदिर जिसने लाखों लोगों का कष्ट कोरोना के अंदर दूर किया शायद लाखों लोगों के द्वारा यहाँ पर शांति धारा करवाई गई। आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि हमारे यहाँ शक्ति नगर रूपनगर घंटाघर जैन कॉलोनी राणा प्रताप बाग माँ कल्याणी कुंज घंटाघर सब्जी मंडी कमला नगर जितने भी क्षेत्र हैं वो तो सब यहाँ पर आकर के अभिषेक शांति धारा करेंगे ही करेंगे। आप सब भी जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप भी अपने परिवार की तरफ से कुछ भी राशि दें आपकी जो इच्छा है दे नहीं दे कोई बात नहीं पर आप अपने परिवार का नाम हमारे इस शांति धारा में अवश्य लिखवाएं जिससे आने वाला 2023 आपका मंगलमय रहे आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो और ये कोरोना जैसी महामारी 2023 में हमें इसका नाम सुनने को नहीं मिले। वो जब ही होगा जब हम सभी मिलकर के इस कार्य को करेंगे। उसी दिन ठीक 8:30 बजे से कल्याण मंदिर विधान बबीता जी झांझरी के सानिध्य में यहाँ पर नीचे मंदिर जी के हॉल में किया जाएगा। जो भी आसपास के 3 किलोमीटर के 4 किलोमीटर के 5 किलोमीटर के एरिया में जो श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर जी से जुड़े हुए हैं आप सभी से निवेदन है कि 1 तारीख को आपको अवश्य मंदिर जी में आकर के और अपनी हाजिरी देनी है अभिषेक करना है और विधान में भी बैठना है। इसके पश्चात ठीक 10 बजे से हम सभी पूरा समाज जितने भी 500 घर हैं मिलकर के एक रैली श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर जी से जैन कॉलोनी शक्तिनगर शक्तिनगर जैन मंदिर से होते हुए वापस राणा प्रताप बाग मंदिर पहुंचेंगे और उसमें हम सरकार को ज्ञापन देंगे कि हम भी इसके साथ में हैं। जितने भी मंदिर हैं दिल्ली में वो सब अपनी अपनी तरफ से अपने अपने समय के अनुसार जैसे मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने कल कहा हम सभी को ज्ञापन देना है। हम 1 जनवरी को ये ज्ञापन सभी मिलकर के हमारा 500 घरों का समाज और करीब 5000 लोग यहाँ पर जैन समाज के जो रहते हैं सभी मिलकर इस रैली में हम हिस्सा लेंगे। जो भी भाई बहन मेरी आवाज सुन रहे हैं ये ना सोचे कि हमें जाना है नहीं भैया समेत शिखर जी हमारे 20 तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि है हमारी सबकी है जैन धर्म का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। हम सबको मिलकर के इस कार्य को अवश्य करना है। ठीक 10 बजे रवाना होंगे 10:30 बजे वापस हम मंदिर जी पहुंचेंगे। उसके पश्चात आप सभी के भोजन की व्यवस्था भी यहाँ मंदिर जी में की गई है।
जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो भी टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, आप सभी को 15 दिन पहले बताया जा रहा है कि आपको 1 तारीख को, ऐसा नहीं हो आप और कहीं चले जाएं, आप कोई छुट्टी मनाएं, ऐसा नहीं हो केवल और केवल समेत शिखर जी के कार्य के लिए। भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में हम सभी को शांति धारा करके भी यह कहना है कि भगवान आपके होते हुए जिन्होंने इतने दुख सहन करके सब दुखों को दूर किया, ये दुख तो छोटा सा दुख है। और माननीय मोदी जी, हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप तो शुद्ध जैन हैं, आप तो जैनों से भी बड़े जैन हैं, क्योंकि आप सहकार का पालन करते हैं, आप नवरात्रा का व्रत करते हैं, आप किसी भी और कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, आप ऐसा कैसा कर सकते हैं? आप बताएं, आज वैष्णो देवी में अगर कोई शराब की दुकान खुलेगी, अगर कोई मांसाहार की दुकान खुलेगी, आप खोलने देंगे? हमें इस बात का जवाब देवें। और जैन तो वो जैन है जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि गुजरात में आप जैनियों के बीच में रहे हुए हैं। आपसे हमारा निवेदन है, झारखंड सरकार से भी हमारा निवेदन है कि ये कार्य नहीं करे, नहीं तो आपकी सत्ता ही पलट जाएगी। भगवान महावीर स्वामी में, भगवान पार्श्वनाथ में, 24 तीर्थंकरों में, 20 तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि में वो ताकत है जो आपको पता लग जाएगी। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि ये वन्य जीव जो घोषित किया है, जो आपने वहां पर पर्यटक स्थल घोषित किया है, इसे जल्दी से जल्दी वापस लेकर के और जैन समाज को आने वाली 1 जनवरी को यह तोहफा आपकी तरफ से दिया जाना चाहिए। अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसके अंदर ही आप इसे पास करके और अवश्य जैन समाज को यह दे कि हमारी तरफ से यह जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया गया। आप नहीं करेंगे तो हो सकता है हमें पूरे देश में इसको देशव्यापी हमें एक रैली निकालनी पड़े, प्रदर्शन करना पड़े। जैन समाज वो चाहता नहीं है कि हम ऐसा कार्य करें। आप बहुत ही सुलझे व्यक्तित्व, आपको विश्व में सबसे विश्व गुरु माना जाता है मोदी जी, और वो आपको इसीलिए माना जाता है कि आपके सभी कार्य बहुत अच्छे हैं। तो ये तो एक बहुत छोटा सा कार्य जो जैन समाज के लिए आप करेंगे। जैन समाज पूरी आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रही है। और अभी MCD में भी आपने देखा होगा कि जैन समाज का ही सबसे ज्यादा वोट, सबसे ज्यादा लोग, जितने पढ़े लिखे लोग थे उन्हीं का वोट आपको मिला है, बाकी तो किसी का मिला नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी इसे वापस लेकर के और इस कार्य को हम सबके सामने ये करके दिखाएं कि मोदी जी ने जैन समाज के लिए भी कोई बहुत बड़ा कार्य किया। क्योंकि गिरनार में शायद आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, पर कोई बात नहीं, गिरनार से बड़ा क्षेत्र भी हमारा ये भी है, गिरनार भी बहुत जल्दी आप ठीक करेंगे, क्योंकि वो भी आपकी टेरिटरी में आता है, आपके समक्ष आता है, वो भी आप जैनों को वहां पर पूजा पाठ करने का अधिकार अवश्य दिलाएंगे, ऐसी हमारी भावना है। एक और बात, आने वाले जनवरी में 20 जनवरी से 26 जनवरी तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समारोह गुप्तीधाम गन्नौर में उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में बहुत ही भव्य होने जा रही है। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि कोई भी इंद्र बनना चाहे संपर्क करके और उसमें भी अवश्य बैठ करके धर्म लाभ ले। यह कार्य 20 से 26 जनवरी तक गुप्तीधाम गन्नौर में किया जा रहा है, आप सभी उसमें भाग लेकर के और धर्म लाभ ले। और जो भी भाई बहन मेरी आवाज सुन रहे हैं, आने वाली 1 जनवरी को जो महामस्तकाभिषेक है, अपने अपने परिवारों का नाम अवश्य लिखा करके धर्म लाभ ले। जय जिनेन्द्र। मैं पवन जैन गोदा, श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली।